अध्यापकों की मांग को लेकर के अभिभावकों का क्रमिक अनशन, तीसरे दिन भी रहा जारी। आंदोलनकारियों को भारी संख्या में मिल रहा समर्थन। अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर अभिभावकों का क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज तलवाड़ी में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के अभिभावक संघ अध्यक्ष प्रेम बल्लभ शर्मा के नेतृत्व में समस्त अभिभावक 5 अध्यापकों का स्थानांतरण होने तथा उनके स्थान पर कोई प्रतिस्थानी न पहुंचने पर नाराज थे, जिनके द्वारा तीसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। उनके द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रधानाचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जबकि भारी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि अभिभावकों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वे तब तक समर्थन देंगे जब तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है। समर्थन देने में पूर्व प्रधान इंद्र सिंह परसवाण, खनसर वधाण संघर्ष समिति अध्यक्ष महिपाल सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान बलवंत सिंह रोथान, उदय सिंह बिष्ट, बलवंत सिंह, थेप सिंह, खिलाफ सिंह रावत, हरेंद्र रावत, अमन सिंह रावत, सरिता बिष्ट, कुंदन रावत, खिलाफ सिंह मेहरा ने कहा कि आंदोलनकारियों के साथ हैं तथा अध्यापकों की नियुक्ति जब तक नहीं होती है तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं इस मौके पर शकुंतला देवी, माला देवी, बिमला देवी, आरती देवी, रजनी देवी, शशि देवी आदि उपस्थित थे। बहुत पुराना है, हम लोगों ने भी यहीं पे पढ़ा है और अभी जो यहाँ पे छत्ती हुई है, सबसे पहले 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के टीचर यहाँ से स्थानांतरण हो गए हैं जी। हमें अपने बच्चों के भविष्य की, हमें नौनिहालों की बहुत बड़ी चिंता है। हम चाहते हैं हमारे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छे से अच्छा रहे और बाकी के क्लासों के बच्चों का भी जो भविष्य है अच्छा रहे। हमारे जो बच्चों का भविष्य है बहुत ही पीड़ादायक है, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। हमें यहाँ पर टीचर चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें अध्यापकों की यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे नियुक्ति चाहिए। मैं महिपाल सिंह बिष्ट, पूर्व अध्यापक और वर्तमान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और बधाण खनसर मित्र मंडली का अध्यक्ष होने के नाते अपने अलग एसोसिएशन के समर्थन में आया हूँ। इसलिए कि हमारे विद्यालय से जो है 5 विशेष जो टीचर थे उनके स्थानांतरण हो चुके हैं और हमारी मांग यही है कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग हमको इन अध्यापकों की जो ट्रांसफ़र हुए हैं, जो क्षति हमें हमारे बच्चों को हुई है, और मेरा कहना यही है, मैं इनके समर्थन में इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि हमको जल्दी से जल्दी ये जो 5 आगे तौर से कोई नहीं आया ना, शासन प्रशासन की ओर से आए, लेकिन हमारी क्षेत्रीय जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और कल तक तो अभिभावक लोग ही धरने पे बैठे थे, आज क्षेत्र के प्रबुद्ध सज्जन लोग, विद्वान लोग भी आज इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं और हम उन लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस प्रकार से क्षेत्र में के डिमांड को लेकर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यही लोग आए, बाकी प्रशासन से कोई भी सुध लेने को ना उप जिला अधिकारी महोदय आए और ना ही शिक्षा विभाग से कोई उच्च स्तरीय अधिकारी।